पिछले दो दिन से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि अभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो हैं ऑफशोर हैं, यानी कि जो बाहर के हैं उनको बैन किया जा सकता है, उनके यूआरएल को बैन किया जा सकता है। यहाँ पे हमें दो तीन तो फायदे भी होने वाले हैं, इसी के साथ साथ जो लॉस होने वाला है वो तो बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल में बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि अगर आप अभी अपना जो पैसा है वज़ीरएक्स के ऊपर है, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर है, अगर इसको निकालना चाहोगे किसी और एक्सचेंज के ऊपर, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, तो तब भी आपकी हर एक चीज़ को, हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जाएगा। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं कि आप टैक्स पे कर रहे हैं नहीं, TDS पे कर रहे हैं नहीं, या फिर आप टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ अभी एक्सपोज होने वाला है, यानी कि वो समय जा चुका है कि जब हम बाहर के एक्सचेंजेस यूज कर रहे थे, जिससे क्या कि हमारे इंडियन एक्सचेंजेस को बहुत बड़ा लॉस हो रहा था क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। दूसरी बात ये है कि अभी जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि रिलायंस है, और अभी हम रिसेंटली अडानी का भी सुना है कि अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो न्यू पार्टनरशिप करने लगे हैं जिसमें वो AI और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं। जब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें काम करना शुरू कर देंगे, ब्लॉकचेन में काम करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है वो इनको एनी हाउ सपोर्ट भी करने वाली है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव है जो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताने वाला हूँ। और WRX का क्या बनेगा, ये बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है, तो WRX के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हर एक मिनट के बाद कुछ ना कुछ मैं आपको नया ही बताने वाला हूँ। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और अपडेट्स जो हमारे टेलीग्राम के ऊपर हमेशा मैं देता रहता हूँ वॉफ्टेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहाँ पे हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं। तो एक और चीज है कि हमारा वॉल्ट डिस्कस के नाम से ग्रुप भी है, जहां पे हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो मेरे साथ बात करते हैं, उनको मैं हर एक चीज का, हर एक सवाल का जवाब, यानी कि मैं हर एक चीज का आंसर भी करता हूं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो वही कि आप ट्रैक कैसे किए जाएंगे। यानी कि अगर आपने वज़ीरएक्स रखा हुआ है, वज़ीरएक्स के ऊपर आपने अमाउंट रखा हुआ है, आप वहां से निकालना चाहते हो अमाउंट, तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना आसान नहीं है कि आपने सिर्फ एड्रेस डाला, पेस्ट किया और जो अमाउंट है वो सडनली सेंड हो गया। एक तो पहली बात यह है कि यहाँ वज़ीरएक्स के ऊपर कई चेन्स बहुत पुरानी है जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन स्लो भी रहती है, एंड आई बिलीव कि ये ट्रांजेक्शन को मैनुअली चेक भी कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वज़ीरएक्स के ऊपर जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है या फिर जो एसेट्स हैं वो बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से इट इज़ ईजी फॉर देम टू ट्रैक एवरी ट्रांजेक्शन। तो ये मैं ऐसा गलत नहीं बोल रहा, जो भी किया जा रहा है ये बहुत अच्छा ही किया जा रहा है वज़ीरएक्स एक्सचेंज के द्वारा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर आपने WRX को ट्रांजिट करना है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप भी अगर अपने वज़ीरएक्स के ऊपर जाओगे यहाँ पे बिल्कुल सेम लेआउट आएगा। तो आप अगर विड्रॉ के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको बोला जाएगा सेलेक्ट एड्रेस, एड्रेस हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे बोला जाएगा एड WRX एड्रेस। तो यहाँ पे हमने अपना जो एड्रेस है वो डालना है, एड्रेस की डेस्टिनेशन पूछी जाएगी कि आपकी एक्सचेंज कौन सी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिटमैक्स, एसेंडेक्स, बायकॉनमी, बाइनेंस, बिंगएक्स, तो यहाँ पे लगभग सारी एक्सचेंजेस की लिस्ट दी हुई है कि आप कौन सी एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं, इनमें से आपको कोई ना कोई सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी। हो सकती है अगर आप एक नई एक्सचेंज डालें या फिर एक नई एक्सचेंज जिसका नाम भी बिल्कुल नया उसके ऊपर आप ट्रांजेक्ट करना चाहते हैं तो शायद आपको यहाँ पे मिले भी ना। यानी कि वज़ीरएक्स के पास ऑलरेडी ये डाटा होगा कि आपने किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजेक्ट करना है, मतलब कि आपने विड्रॉ किया तो वो किस एक्सचेंज के ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे आपने एक्सचेंज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद एड्रेस पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद आपने नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि नेटवर्क वो नहीं मिल रहा है कि जो नेटवर्क हम यहाँ पे डालना चाहते हैं। यहाँ पे मेमो भी है, मेमो ऑप्शनल रहता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई एक्सचेंजेस के ऊपर मेमो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और वो मैच होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने लेबल डाला है, लेबल में कुछ भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम बैंक की ट्रांजेक्शन करते हैं तो रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर हमने सेव कर देना है, सेव करने के बाद आपका जब भी WRX का विड्रॉल होगा तो वो इसी एड्रेस के ऊपर होने वाला है। इस एड्रेस के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि रजिस्टर अंडर योर ओन नेम, यानी कि वो आपका ही अकाउंट होना चाहिए। यानी कि अगर आप वज़ीरएक्स से विड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपका खुद का अकाउंट आपके नाम से ही होना चाहिए, तब यहाँ पे ट्रांजेक्शन होने वाली हैं। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे इजिली ट्रांजेक्ट कर पाओगे। फिर जो फीस है वो एक्सचेंज की मर्जी है, वो कितनी फीस लेना चाहते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाइड रहती है कि कितनी फीस लगती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको मैं यहाँ पे ये क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर वज़ीरएक्स से पैसा निकालोगे तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप कौन सी एक्सचेंज के ऊपर डाल रहे हो। यहाँ पे जो बाकी वॉलेट्स हैं या फिर जैसे हम बोलते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट है या फिर ऐसे कुछ वॉलेट्स होते हैं, उनकी यहाँ पे लिस्ट नहीं दी गई है, यानी कि वो अभी यहाँ पे लिस्ट में ही नहीं है। इतना हो सकता है कि आप बाइनेंस के ऊपर सारा अमाउंट डाल के बाइनेंस से कहीं भी और ले जाओ, वो अलग चीज़ है। तो आपकी हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया जाएगा। अगर वज़ीरएक्स ट्रैक कर रहा है तो डेफिनेटली इट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास सारी ट्रांजेक्शन जाने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको डर किस चीज़ का है, वो ये कि आप टैक्सेस पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, TDS पे कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक ट्विटर के ऊपर हैंडल है कॉइनएक्स के नाम से, उन्होंने डाला है कि अगर आप टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, बिजनेस है, तो आपकी अगर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बड़ी है या फिर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है
तो वो हमेशा बैंक के द्वारा और गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करी जाती है कि बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है। तो इन ट्रांजैक्शन को स्क्रूटनी में लाया जाता है और आपको नोटिस भी आ सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे बड़ी, यानी कि कहने का मतलब कि अगर 10 लाख 20 लाख इस तरीके से बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन रेगुलर हो रही हैं तो आपको यहाँ पे नोटिस भी आ सकता है अगर बड़ी ट्रांजैक्शन है। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो आपको नोटिस आ सकता है, टैक्स पे करना ही चाहिए। वैसे भी गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना ही चाहिए, लीगल तरीके से इवन मॉरली भी पे करना चाहिए। 30% है, हालांकि ज़्यादा है, लेकिन वो वही है ना कि अगर प्रॉफिट होता है तो तभी हमें टैक्स पे करना है। टैक्स प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो टैक्स पे करना ही नहीं है, वो इट्स वेरी ऑब्वियस। तो इसके बारे में अगर आपको थोड़ा और डिटेल में चाहिए कि टैक्स कैसे पे करना है, आईटीआर कैसे फाइल करनी है, तो नीचे आईटीआर कमेंट जरूर कर देना, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो उसमें डिटेल लाने वाले पूरी। अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। पहले हमने चेक किया कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हो तो कैसे ट्रैक होने वाली, दूसरा एक टैक्स की बात कर ली, तीसरी चीज WRX। तो WRX आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, WRX डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो बात यहाँ पे सिर्फ WRX की नहीं है, बल्कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट इंडिया का होल्ड कर रहे हो, चाहे वो पॉलीगॉन मैटिक ही क्यों नहीं है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले, डेफिनेटली परफॉर्म करने वाले, क्योंकि इंडियन प्रोजेक्ट्स हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अगर कोई भी लीगली कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जाते हैं तो बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है हमारे इंडियन प्रोजेक्ट्स को। खासकर अभी जो सपोर्ट मिल रही है वो इंडियन एक्सचेंजेस को मिल रही है, जैसे कि WZRX है, CoinDCX है, CoinSwitch है, तो इनको सपोर्ट मिलेगी तो डेफिनेटली ये जो कॉइन्स हैं इनकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100 रुपीज़ जाना WRX का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कल के दिन ही हमने बात करी थी कि 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इनको कोई ना कोई जवाब देना ही पड़ेगा, जितनी भी एक्सचेंजेस है, चाहे वो बाइनेंस है, चाहे वो HTX एक्सचेंज है, OKX एक्सचेंज है, कोई भी एक्सचेंज है, तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा या फिर उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। कंप्लाई करके ही वो इंडिया में काम कर सकते हैं, वरना उनके जो URL से बैन हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि अगर बैन हो सकते हैं तो क्या हम VPN यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली VPN यूज़ करके हम यूज़ तो कर पाएंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर स्ट्रिक्टर एक्शन लग जाता है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, यानी कि इनको इलीगली काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कनाडा की। कनाडा में बाइनेंस को टोटली इलीगल कर दिया गया, बैन कर दिया गया, तो वहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी बंद है। जब ऐसा समय आ जाता है तो क्या करना पड़ता है कि ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो पाती, तो आपके जो एसेट्स हैं वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है यूज़ करना। तो इसलिए आपको थोड़ा एडवांस में बता रहा हूँ। लेकिन जो लोग अभी सवाल कर रहे हैं कि क्या हमें बाइनेंस से या फॉरन एक्सचेंजेस से एकदम से पैसा निकाल लेना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट करो, डिसीजन आने दो, उसके बाद हो सकता है कि हमें वक्त भी मिले ताकि हम इजीली अपना जो पैसा निकाल पाएं। तो निकालना भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कुछ अच्छी जो अपडेट्स, अच्छी अपडेट्स भी आ जाएं ताकि हम इजीली इन एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर पाएं, या फिर हो सकता है आने वाले समय में TDS को भी कम करना पड़े, क्योंकि अगर ये TDS को कम नहीं करते हैं तो इंडियन एक्सचेंजेस को ज़बरदस्ती ये नहीं चलवा सकते, यानी कि चाहे यहाँ कितना भी कोशिश क्यों ना करी जाए, कोई भी 1% TDS पे नहीं करेगा हर एक बाय एंड सेल के ऊपर, जो कि 1+1 2% बन जाता है इन टोटल। लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे इंडिया का जो FIU है, उन्होंने AML एंड KYC पॉलिसीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया, ये जो नए रूल्स हैं फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स लॉज को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शायद एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, अंडर रेगुलेशन अगर कोई भी एक्सचेंज काम नहीं करती है, तो आने वाले समय में अगर वही एक्सचेंज एकदम से बंद हो जाती है तो हमारा पैसा वापस कहाँ से आएगा, आप खुद सोचिए। आज अगर FTX सबका पैसा, इंडिविजुअल्स का, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का पैसा वापस करने के लिए तैयार है, तो वो सिर्फ इसलिए करने के लिए तैयार है क्योंकि वो रजिस्टर्ड थी US में। तो इसलिए इनकी रजिस्ट्रेशन होना या फिर लॉ को कंप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसमें लॉन्ग रन में हमारा ही लॉस हो सकता है। करंटली अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो WRX जैसे कॉइन्स जो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि $1, 100 रुपीज़ ईजिली पहुँच जाएगा। और अगर अडानी जैसी कंपनीज यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं तो आने वाले समय में ये TDS को कम कर सकते हैं और ये जो टैक्सेस है 30% इसको भी कम करवा सकते हैं बहुत ही जल्द। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में, लेकिन आपको बताया कि अगर आपको ITR के बारे में, हार्डवेयर वॉलेट के बारे में वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट करो। अगर इस वीडियो के 500 से ऊपर लाइक हो जाते हैं तो मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके साथ शेयर जरूर करें जो कि अभी इस वक्त डर चुके हैं कि फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या फिर टैक्सेस से कैसे बचना चाहिए। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।